Namaste everyone. Hi and welcome back to my YouTube channel Tech Tip Now. Probably this is the first time, you know, I'm talking in front of camera in this particular way, and it was very needed, or you can say much needed. Before I continue with this video, I want to make or give my sincere thanks to all of my, you know, the learners. Thank you so much that you all are appreciating my videos and responding so well. एंड मुझे उम्मीद है कि जितनी भी वीडियोज़ अभी तक मैंने पोस्ट की हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी, स्पेशली इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ क्लास 12 की. सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड एट द सेम टाइम आई एक्सट्रीमली सॉरी दैट आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद यू ऑल, यू नो द लाइव बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस. बट नंदालेस मेरे चैनल पे मैंने इतने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर एमसीक्यूज और प्रैक्टिस पेपर और यू कैन से द वीडियो ट्यूटोरियल आई मीन कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल्स फॉर आईपी टर्म वन. हालांकि ट्यूटोरियल्स मैंने कंप्लीट आईपी के लिए डाल दिए हैं फॉर द कंप्लीट सेशन, बट टर्म वन के लिए सफिशियंट मटेरियल आप मेरे चैनल पे जाके प्राप्त कर सकते हैं. सो अगर मैं लाइव नहीं भी आ रहा हूँ तो जितने भी वीडियोस हैं जिनकी सारी लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे जैसे मैंने बोला कॉन्सेप्ट हो, वो सारा आपको मिल जाएगा नीचे, वहां से जाके आप देख सकते हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये था जहां पे कि मैं आप लोगों को थैंक्स बोल सकूं. एंड एट द सेम टाइम आई एक्सट्रीमली सॉरी एज आई सेड फॉर नॉट एबल टू कमिंग लाइव. और साथ ही साथ सॉरी मुझे ये भी बोलना था कि कुछ कमियां मुझसे रह गई हैं, कुछ मिस्टेक्स भी मुझसे हुई हैं, ऑल्दो दे आर टाइपो मिस्टेक्स या कुछ सिली मिस्टेक्स हुई हैं अनोइंगली, सो प्लीज़ इग्नोर इट. आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ माई लर्नर्स. आप सबके नाम भी मैं आने वाले सेशन में आफ्टर योर एग्जामिनेशन लूँगा, बट फिलहाल आप सभी के लिए अगेन थैंक यू, क्योंकि आपने जिस तरीके से कमेंट किए हैं इट्स अमेजिंग. जहाँ से मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जो भी मिस्टेक्स अगर मुझसे हुई हैं तो आई सिंसियरली मेक माई अपॉलॉजी फॉर दैट. आई ट्राई टू बी मोर एक्यूरेट इन माई कमिंग वीडियोस. साथ ही साथ जो मेरी राइटिंग की प्रॉब्लम है, जैसा कि मुझे मिला कमेंट में सुनने को देखने को, तो हम उसे भी जरूर सुधारने की कोशिश करेंगे. नाउ इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि मैंने एक 35 क्वेश्चन के और पेपर सेट रेडी किया है. हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको लाइव बना सकें या उसका वीडियो मैं आपके साथ बना के शेयर कर सकूं. सो मैंने उसका डायरेक्ट एक पीडीएफ बनाया है, इट इज़ बेसिकली मॉक टेस्ट 4 के नाम से. इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दिया है, आप डायरेक्ट उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. और यदि इसका मॉक टेस्ट या ऑनलाइन अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन माई वेबसाइट www.taketipnow.in, वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं. ओवरऑल इस टर्म वन के सारे मटेरियल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. कई दफ़ा मैंने उसकी लिंक आपके साथ शेयर भी की है, कुछ बच्चों के साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने कमेंट किए थे वहाँ पे भी वो लिंक शेयर किए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं. हालांकि मैंने वन शॉट वीडियो में सारा कुछ डाला हुआ है, बट आप मेरी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप सबसे पहले अपने जहन में रखें, अपने दिमाग में रखें, उनकी लिस्ट आप यहाँ से आप देख लें. यदि आपके पास टाइम कम है तो इन पॉइंट्स को आप फॉलो करें, इसकी स्टडी कर लें, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको ज़रूर देख लें. सो ये तो बात हुई हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की. इसके अलावा आप जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो अपने आप को कूल रखें, बिकॉज एज पर माई कंसर्न जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मॉडरेट ही होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ. कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस उसमें ज़रूर हो सकते हैं, वो स्लाइसिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, सोशल इम्पैक्ट से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं आई एम श्योर. एंड जो ई वेस्ट है और हेल्थ हैजर्ड है, इनको आप ज़रूर ध्यान में रखें. पाई प्लॉट को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, बट इट्स नॉट टू मच कॉम्प्लेक्स. उसमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं चार्ट बनाने के दौरान, लाइक एक्स लेबल, वाई लेबल, लीजेंड एट्सेट्रा, उनको आप ज़रूर फॉलो कर लें. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं कहना चाह रहा था इस वीडियो सेशन में. सो इससे पहले कि मैं कॉन्क्लूड करूँ अपने सेशन को, आई अगेन वॉन्ट टू गिव माई सिंसियर थैंक्स टू ऑल ऑफ माई लर्नर्स. एंड आई प्रॉमिस दैट हम अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करेंगे, कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे.
और कुछ स्पेशल लीजेंड्स भी हमारे साथ हमारी वीडियोस में इन्वॉल्व हैं जो आई मीन एग्ज़ाम के 24 आवर्स पहले जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई वुड नॉट अप्रिशिएट दैट। आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा टाइम दें किसी भी सब्जेक्ट को, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू नो द आईपी ओनली, कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसको प्लीज़ टाइम दें, बिकॉज सिर्फ मार्क्स के लिए आप एग्ज़ाम दें इज़ नॉट अ गुड वे। आप चीज़ों को सीखें, आप चीज़ों को समझें। एंड इसके अलावा यदि आपको नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए, किसी भी तरीके का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो आप मेरी वेबसाइट पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना भूल गया वो ये कि आपका एग्ज़ाम आईपी का जब हो जाए उसके बाद में कैसा रहा वो पेपर, आप कितने मार्क्स सोचते हैं आपके आने चाहिए, मैंने जितना भी कंटेंट आपके साथ शेयर किया है क्या वाकई उसने आपको हेल्प किया या नहीं किया, मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हालांकि जब आपके एग्ज़ाम के बाद आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद में मैं एक पोस्ट ज़रूर डालूंगा जहां पे आप कमेंट करें। अभी तक मैंने किसी भी वीडियो के लिए देखने की रिक्वेस्ट तो नहीं की, बट आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एग्ज़ाम के बाद आपका पेपर कैसा हुआ, मार्क्स कैसे आ रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स मुझे ज़रूर दें। तो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ माई डियर लर्नर्स, नॉट ओनली माई लर्नर्स, टू एवरी वन, and best wishes from my side. I'm always here to support you all guys. I'll try to connect again with you all. So thank you very much for watching my video. Thank you very much for appreciating my videos. So chaliye milte hain next session mein naye chapter, naye solution, naye concept ke saath mein. Till then keep practicing, keep learning and do keep watching my channel. Thank you very much for watching this video. Bye bye and do take care and all the very best to all of you. Thank you.